हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट टॉन्चर। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, किसने डिस्कवर किया था प्रोटॉन्स को, प्रोटॉन्स को गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था, इसको देखा था हमने, देखा था। और उसके उसमें क्या देखा था कि एनोड रेस क्या होता है ये भी देखा था हमने। क्या किया था हमने, हमने देखा था कि क्या किया था, एनोड रेस से क्या हुआ था, एक कैथोड रेस की तरफ एक क्या, एक इलेक्ट्रिक क्या है, हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ट्रेवल करके वो क्या होता है, कैथोड के साइड जाता है। कैथोड साइड हम लोग क्या किए थे, कैथोड साइड हमने क्या किया था, हमने एक जिंक सल्फाइड की लेयर डाली थी जिसमें हम लोग जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे तो ट्रैवल करके क्या करता था, वो एक रेड ग्लो देता था जिससे हमें प्रूफ हुआ कि प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स होता है जिसमें कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। प्लस चार्ज कैसे होता है, हमने क्या किया था, उसमें हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड किए थे जो क्या किया था, जो माइनस साइन की ओर क्या किया था, वो रोटेट किया था। इसे हमें प्रूफ हुआ था कि जो प्रोटॉन होते हैं वो प्लस चार्ज के होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स। पिछले वीडियो में हम लोग थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स के बारे में कुछ डिस्कशन की थी, उसको एक बार और हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। ठीक है, एक बार और हम उसको क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। ये देखो, जो हमारे थॉमसन जी हैं, ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था। इन्होंने क्या कहा था, ये देखो, ये थॉमसन जिनके अकॉर्डिंग ये कहते थे कि जो एटम्स, अब मैं आप लोग को बताएं, पहले क्या था, कुछ ऐसा कि कुछ तो था, क्या बताई थी मैं कि एटम्स क्या होता है, एटम्स हमें क्या, हमें पता नहीं था कि एटम्स में क्या है, कौन से चार्ज होते हैं। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर के बाद हमें पता चला, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर के बाद हमें पता चला कि हाँ एटम्स में कुछ क्या होते हैं, माइनस चार्ज होते हैं। फिर हमें प्रोटॉन्स के बारे में डिस्कवर किया तो प्रोटॉन्स से पता चला कि हाँ इसमें भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हमने क्या देखा था, हमने क्या देखा था, हमने हमने न्यूट्रॉन्स के बारे में भी पढ़ा जो न्यूट्रॉन होता है। बट हमारे जो थॉमसन जी हैं, थॉमसन अकॉर्डिंग मॉडल्स, इसमें क्या बोलते हैं, ये देखो, थॉमसन जी बोलते हैं कि ये जो मॉडल एटॉमिक मॉडल होता है, ठीक है, एटम्स, इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में ये बताया कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, एटम्स में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कंपेरेटिवली कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये इन्होंने कंपेयर किया था वाटरमेलन से। हमारे जो, एक बार और बताती हूँ, हमारे जो थॉमसन जी है, साइंटिस्ट है जे थॉमसन ने, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या क्या कहा था कि एक एटम में, ठीक है, एक एटम में पॉजिटिव मींस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इस तरह होते हैं, इस तरह यूनिफॉर्मली होते हैं, ठीक है, इस तरह यूनिफॉर्मली होते हैं जिस तरह उन्होंने कंपेयर किया था वाटरमेलन से। वाटरमेलन देखे हो आप लोग, वाटरमेलन देखे हो, हाँ, वाटरमेलन की तरह उन्होंने वाटरमेलन से कंपेयर किया था कि एटम्स में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कंपेयर क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली, ऐसे उनके जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऐसे यूनिफॉर्मली होते हैं, जैसे कि ये देखो, जैसे कि वाटरमेलन में वाटरमेलन होते हैं, ठीक है। अब कैसे होता है मैं ये बता रही हूँ, अब देखो इन्होंने क्या किया था, ये देखो, इन्होंने जो जे थॉमसन जी ने, इन्होंने बताया कि वो जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये वाटरमेलन की तरह होते हैं। ये देख रहे हो, ये क्या है, वाटरमेलन है। ये जो रेड पल्स दिख रहा है, ठीक है, ये जो रेड पल्स दिख रहा है, ये क्या होते हैं, ये रेड पल्स होते हैं। ये रेड पल्स को उन्होंने क्या बताया था, रेड पल्प को उन्होंने बताया था प्रोटॉन। क्या बताया था, ये जो रेड पल्प होते हैं प्रोटॉन, उन्होंने रेड पल्प को प्रोटॉन कहा था। और वाटरमेलन देखे हो, सब लोग खाते भी हो, ठीक है, गर्मी के मौसम में आता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है ना। ये देखो, ये जो इसके सीड्स हैं, मींस इसके जो बीज हैं,
इनको इसी को इन्होंने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन कहा था। क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन कहा था। किसने कहा था? ये जो देखो, ये जे जे थॉमसन ने कहा था, ठीक है। जे जे थॉमसन जी कहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उस तरह यूनिफॉर्मली रहते हैं जिस तरह क्या रहते हैं, जैसे कि वाटर मेलन में उसके जो रेड पल्प है, ये रेड पल्प को उन्होंने कहा है प्रोटॉन प्लस चार्ज, मीन्स प्रोटॉन, जानते हो ना, मीन्स प्रोटॉन। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने उनको प्रोटॉन कहा था, ठीक है। और जो सीड्स रहते हैं, सीड्स को उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो, ये है इन वाटरमेलन का कंपेयर एटम्स, ये वाटरमेलन है और ये क्या है, ये अपना उनके अकॉर्डिंग ना, जे.जे. थॉमसन के अकॉर्डिंग ये है एटम। और इन्होंने देखो यहाँ ये जो इतना पूरा ये जो दिख रहा है, ये इसको उन्होंने प्रोटॉन कहा है। और इसमें मैं रेड पल्प को ले ली, रेड पल्प को, ये जो रेड पल्प को इन्होंने इसमें प्रोटॉन कहा है। और जो ये सब ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। किसने कहा था? ये हमारे जे.जे. थॉमसन ने कहा था। तो बोले सब ठीक है, हाँ आपके अकॉर्डिंग तो ऐसा है। तो क्या किया हम, इसके बाद रदरफोर्ड आते हैं ना, रदरफोर्ड ने कहा हाँ ठीक है आपके अकॉर्डिंग तो अगर ऐसा है तो ठीक है, मान लेते हैं कि हाँ कि वाटरमेलन ने, देखो सबसे पहले इन्होंने ना, जो जे.जे. थॉमसन है, इन्होंने सब न्यूट्रॉन प्रोटॉन उसको पता चल गया कि हाँ एटम्स में इलेक्ट्रॉन, पहले तो पता नहीं था कि क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं ना, क्या पहले पता नहीं था कि एटम्स, जैसे ही एटम्स में पता चला कि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर पता चला कि हाँ इसमें कुछ तो और होगा जिससे क्या है न्यूट्रल, जिससे क्या है एटम न्यूट्रल होते हैं, ऐसे करके किसने बताया, फिर गोल्डस्टीन ने। फिर इसके थ्रू क्या हुआ, प्रोटॉन की भी डिस्कवर हो गया। अब प्रोटॉन डिस्कवर हुआ तो फिर सब पूछने लगे कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये तो ठीक है, ये तो मिल गया, बट इसको ये होते कैसे होंगे किसी भी एटम से, सबके अंदर क्वेश्चन आता है। हाँ ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये होते कैसे हैं, कैसे ये कैसे एटम्स के अंदर कैसे प्रेजेंट होते होंगे, ये सब के माइंड में आने लगा। तो हमारे जो जे.जे. थॉमसन जी है, इन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू मैं बता सकता हूँ कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन कैसे एक एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किसने कहा? जे.जे. थॉमसन ने कहा। तो फिर बोले ठीक है आपके पास प्रूफ है तो आप बताओ। फिर उन्होंने बताया हाँ एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया। तो उन्होंने बताया कि आप लोगों ने ये जो वाटरमेलन तो देखा होगा, हाँ तो जैसे वाटरमेलन में जो रेड पल्प होता है वैसे ही प्रोटॉन फैले होते हैं पूरे अंदर में, ठीक है। वाटरमेलन जैसे जो रेड पल्प है, रेड पल्प वैसे ही पूरे फैले रहते हैं अंदर में, और इनके बीच बीच में क्या होता है, सीड्स हैं। ये देखो बीच बीच में ये जितने भी सीड्स हैं, इसको उन्होंने क्या कहा है, ये इलेक्ट्रॉन है भाई, ये देख लो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। और ऐसे ही एक एटम्स के अंदर इस तरह पूरे तरफ प्रोटॉन फैला रहता है, और क्या बोलते हैं बीच बीच में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन। और आप लोग और बता सकते हो क्या अपने अकॉर्डिंग की, और किसको हम लोग जे.जे. थॉमसन के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, बता सकते हो क्या? ठीक है चलो बताओ कमेंट सेक्शन में, चलो बताओ कि क्या होता है और किसको हम लोग ये जे.जे. थॉमसन के अकॉर्डिंग, और कुछ ऐसा चीज लो जिसको हम लोग उनके थ्रू बोल सकते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग कि हाँ इसमें भी एक ले लेते हैं जिसमें क्या कितने बीच बीच में क्या हलवा ले लेते हैं, जानते हो ना, हाँ उसको भी ले लेते हैं, उसमें क्या होता है बीच बीच में ड्राई फ्रूट डाल देते हैं बनने के बाद। ये ऐसे ही इन्होंने कहा था ना, मतलब ये जे.जे. थॉमसन का, और ये तो हलवा वाला मैं अपना आप दे रही हूँ ना ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो करके, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये किसने दिया था, ये हमारे जे.जे. थॉमसन ने दिया था। अब सब लोग बोले कि हाँ ठीक है चलो अब एक मान ही लेते हैं, अब ऐसा है तो ठीक है। अब हमारे रदरफोर्ड, हमारे नेक्स्ट जो हमारे रदरफोर्ड है
उन्होंने बताया। अच्छा चलो बताओ कि ये जो ऐसा है तो चलो मान लेते हैं कि आपके अकॉर्डिंग क्या है, एक ऐसा है कि क्या बोलते हैं, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, ऐसे उन्होंने क्या है अरेंज है करके, ठीक है। फिर हमारे रदरफोर्ड आते हैं। अब रदरफोर्ड ने क्या किया देखते हैं। अब रदरफोर्ड ने इसी एक्सपेरिमेंट को आगे किया, ठीक है। इसी को उन्होंने बताया कि ये देखो, अब इसमें मैं बता रही हूँ ये। फिर उन्होंने बताया रदरफोर्ड ने कि क्या होता है, ये देखो, ये रदरफोर्ड है ना। रदरफोर्ड ने बताया कि एटॉमिक मॉडल में, अपने एटॉमिक मॉडल में बताया। चलो ठीक है, आप बता दिए कि आपने बताया कि क्या बोलते हैं, एक एटम्स है उसमें पूरी तो उसमें फैला रहता है। कौन फैला रहता है? प्रोटॉन्स रहता है, ठीक है। और उसके जो बीच में सीट्स हो रहते हैं उसको बोलते हैं, बीच बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किया कि चलो ठीक है, ये अब हमारे रदरफोर्ड एक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उन्होंने अपना अपना एक्सपेरिमेंट दिया जिसको उन्होंने गोल्ड फॉइल कहा था। क्या कहा था? रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट दिया जिसको, जिन्होंने उन्हें रेड फॉइल क्या कहा था, क्या क्या था, गोल्ड फॉइल क्या था, सॉरी ना। रदरफोर्ड ने, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, रदरफोर्ड ने इसके बाद, जे थॉमसन के बाद ना, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। एटॉमिक एक्सपेरिमेंट, एटॉमिक मॉडल्स को अपने थ्रू समझाया किसने? रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या लिया, एक गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया रदरफोर्ड ने, ये एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है, ये एटॉमिक मॉडल्स यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक, ये जे थॉमसन के ना, अब उन्हीं के उसके बेस से बता रही हूँ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहा है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ये किसने दिया? ये दिया हमारे रदरफोर्ड जी ने, ठीक है। अब देखो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, रदरफोर्ड ने क्या कहा था। तो हमारे जो रदरफोर्ड ने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हो वो सही है, मान लेते हैं। कौन? वो क्या बोलते हैं, हमारे ये जे थॉमसन है ना। अब थॉमसन ने बोल बताया तो ठीक है, चलो मान लेते हैं कि आपने क्या क्या, ये सही है आपके अकॉर्डिंग, वाटरमेलन है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, ठीक है। तो रदर फिर बोला, इसका कुछ प्रूफ है क्या आपके पास? रदरफोर्ड तो बाकी साइंटिस्ट कहने लगे कि प्रूफ है तो बताओ कि ऐसा क्या होता है, इसमें क्या होता है, चलो बताओ, प्रूफ करके बताओ, चलो बताओ, प्रूफ करके बताओ। अगर एक क्या कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि मान लो एक प्रोटॉन पूरे उसमें फैला हुआ है, यहाँ पे वाटरमेलन, ये पल्प था, वो क्या था, प्रोटॉन था, और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन था। तो कोई भी पार्टिकल इसमें हम लोग मूव करा रहे हैं, ठीक है, कोई भी इसमें पार्टिकल मूव कर रहा है, तो या तो इसको अट्रैक्ट होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, या रिपल्सन होना चाहिए, ठीक बात है ना। देखो आप लोगों को पता है कि प्लस प्लस जो सेम साइन के रहते हैं वो क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। जैसे कि मैग्नेट, मैग्नेट जानते हो आप लोग, मैग्नेट जानते हो ना, वो क्या करता है, हम लोग दोनों सेम साइन के, दोनों को आस पास पास लाएंगे तो वो क्या होगा, रिपल्सन होते हैं, एक दूसरे से क्या करता है, वो दूर हटता है ना, रिपल्सन होता है। और अपोजिट साइन में क्या करता है, वो अट्रैक्शन करता है। तो उसी को रदरफोर्ड ने कहा जे थॉमसन की, ठीक है आपके मॉडल के अकॉर्डिंग तो सब ठीक है कि आपने बताया कि एक वाटरमेलन के टाइप होता है, चलो मान भी लेते हैं, ठीक है। तो ये बताओ कि क्या बोलते हैं, अगर हम कुछ भी लाइट अल्फा रेज, हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्फा रेज स्कैटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अल्फा, उन्होंने पूछा जे थॉमसन से कि अल्फा रेज हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रैटिंग कर रहे हैं,
तो या तो उसे अट्रैक्ट होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए या रिपल्सन होना चाहिए, होना चाहिए, बट यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, चलो प्रूफ करके बताओ। तब उनका जो जे थॉमसन है उन्होंने प्रूफ नहीं कर पाया, तब फिर रदरफोर्ड ने इसको और डिस्कवर किया, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि क्या होता है, उन्होंने बताया रदरफोर्ड ने, अब मैं आप लोग को पिछले वीडियो में बताई हूँ कि अल्फा रेस क्या होता है, ये बताई हूँ अल्फा रेस, तो मैं आप लोगों को ये बताई कि हीलियम जानते हो ना, मान लो हीलियम है, यहाँ पे बताती हूँ आप लोगों को, ये देखो ये हीलियम है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ठीक। हीलियम के पास क्या होता है, हमें पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास क्या होता है 4 होता है, इसमें क्या है 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें हीलियम में, हीलियम में क्या होता है 2 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो हीलियम है ये क्या करता है अपना, मैं ये बता रही हूँ कि अल्फा रेस किसको बोलते हैं ये बता रही हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, क्या कर दिया, निकाल दिया, 2 यहाँ क्या कर दिया, दे दिया, ठीक है, डोनेट कर दिया। तो अब हमें तो पता है कि इसमें 2 प्रोटॉन दिया है ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो इनके पास तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो है ही। तो एक ऐसा एलिमेंट जैसे कि ये यहाँ पे ले ली हीलियम, हीलियम क्या करता है, कोई भी डोनेट करता है, मतलब वो जान रहे हो कुछ भी डोनेट करता है, मतलब वो अपने आप को, हाँ कि मैं दिया हूँ उसको, अपने आप को क्या करता है, अपने आप को मालिक समझने लगता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये डोनर हो गया, अपने आप को हाँ मैं दिया हूँ, मतलब तो ये बोलने लगा कि मैं तो दिया हूँ, मतलब मैं बहुत बड़ा इंसान हो गया, अब दे रहा है तो है ही ना, तो इस पे क्या लग जाता है, कोई भी देता है मतलब उसमें क्या लग जाता है, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज लग गया। अब ऐसा चार्ज जिसमें, ये तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, ये देखो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है कौन, हीलियम, तो इसमें क्या हो गया, प्लस चार्ज लग गया। अब ऐसा ये एटम ने दिया है इलेक्ट्रॉन बस दिया, तो इसके पास मास है ना, इसके पास तो मास है, ये बस इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इसके पास मास है। तो एक ऐसा एलिमेंट या ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसपे पास क्या हो, प्लस चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, और जिसमें क्या हो, एक मास हो, उसके पास मास है और वो क्या है, इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर दिया, बिना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये इसमें हीलियम में लग गया, ये हीलियम में लग गया 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो ये हो गया हीलियम, ठीक है, ये डोनेट कर दिया। तो ये अब इसके पास मास है, तो एक अल्फा रेस उसको बोलते हैं जिसके पास क्या हो, मास हो, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल या फिर अल्फा रेस, ठीक है, ये आया समझ में। तो हमारे जो रदरफोर्ड ने, उन्होंने कहा कि जे थॉमसन के तो कहा आप प्रूफ तो कर नहीं पाए कि क्यों, क्या है रिपल्सन होता है या अट्रैक्शन, तो ठीक है। फिर क्या क्या रदरफोर्ड ने आगे के डिस्कवर किया, तो उन्होंने क्या क्या, उन्होंने एक यहाँ पे बता रही हूँ, उन्होंने एक गोल्ड फॉइल, मैं अभी बताई हूँ गोल्ड फॉइल क्या होता है, रदरफोर्ड ने यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अल्फा रेज, ठीक है, ये अल्फा रेज या फिर अल्फा पार्टिकल बोल सकते हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल क्या होगी ये बता दी मैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, जिसके पास अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उसके पास मास भी हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल, मैं बताई एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया, ठीक है, किसने दिया, रदरफोर्ड ने। तो उस एक्सपेरिमेंट में उसने बताया, ये देखो ये उनका एक्सपेरिमेंट, उन्होंने बताया अपने एक्सपेरिमेंट में कि ठीक है उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट क्या क्या परफॉर्म किया जिसको गोल्ड फॉइल बोलते हैं, अभी बताएंगे कुछ टाइम पहले, गोल्ड फॉइल,
गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ये हमारा हो गया, ठीक है। अब ये गोल्ड फॉइल क्या होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक तरह का चार्ज पार्टिकल होता है ना, ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है, उन्होंने अपने पार्टिकल में यहाँ पे मतलब एक अल्फा पार्टिकल, एक तरह का चार्ज पार्टिकल होता है जिसके पास क्या होता है, मास होता है, अभी बताइए। और अल्फा पार्टिकल कैसे अल्फा पार्टिकल मिलते हैं ये भी बताएं। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल लिया ना, गोल्ड फॉइल, इसीलिए तभी तो उनका उसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं रदरफोर्ड ने। उन्होंने क्या किया, एक क्या बोलते हैं लेड लिया, ठीक है, अल्फा पार्टिकल का एक क्या किया, एक सॉर्स लीड ले लिया, समझ जाओ, ठीक है। एक यहाँ पे एक बॉक्स ले लेड लेते हैं, ये रहा, ठीक है। वो यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या है, जगह है, ठीक है, थोड़ा सा छेद है। अब इसमें क्या करते हैं, हम इसमें से एक यहाँ पे एक वो लगा देते हैं, लीड लगा देते हैं, लीड लीड सीट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया लीड सीट, लीड सीट लगा देते हैं। और उन्होंने क्या किया, एक ये क्या है, एक सर्कल जो आधा है ना, पूरा नहीं है ना, एक सर्कल दिया, किसने दिया, रदरफोर्ड ने, ठीक है। एक सर्कल था जिसमें क्या कर, इन्होंने क्या किया, सर्कुलर जो था उसमें नहीं, इन्होंने क्या किया, इसमें ये जिंक सल्फाइड का होता है, ठीक है, ये जिंक सल्फाइड का लेयर होता है, ये जिंक सल्फाइड का लेयर इन्होंने लिया। ये जिंक सल्फाइड क्या करता है, ये फ्लोरेसेंस होता है, क्या होता है, ये फ्लोरेसेंट मतलब ये क्या करता है, किसी भी लाइट को अब्सॉर्ब, मतलब ये क्या करता है, लाइट जल्दी से देता है, ठीक है। तो क्या किया, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक लेड लिया जिसमें उन्होंने क्या किया, गोल्ड की एक फॉइल लगा ली, गोल्ड की फॉइल ले ली, यहाँ पे गोल्ड फॉइल ले लेते हैं, ये टिब्बा टाइप, ठीक है, गोल्ड फॉइल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ यहाँ एक गोल्ड फॉइल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसमें किसने क्या किया, इसने रदरफोर्ड ने इसमें क्या डाला, इसमें यहाँ पे एक गन डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, यहाँ पे ये जो है लेड, इसमें इन्होंने क्या अल्फा रेज डाला था, अल्फा रेज, ये अल्फा रेज है, और ये अल्फा रेज गन है, समझ जाओ, जैसे कि आप लोग गन रखते गन देखे हो वैसे ही, कि ये वाले पोर्शन से ही, जो ये वाले पोर्शन से ही क्या निकलेगा, ये वाले पोर्शन से ही निकलेगा करके, ठीक है, ये वाला डाल दिया। अब ये क्या करता है, ये इसमें इसमें से हमने अल्फा रेज को निकाला, ठीक है, अल्फा रेज क्या किया, इसको पास किया, तो ये क्या हुआ, जैसे ही गोल्ड फॉइल, इन्होंने अपने उसमें गोल्ड फॉइल लिया, हम एल्यूमिनियम गोल्ड फॉइल क्या होता है, ये बहुत ही पतली लेयर होती है ना, आप लोग एल्यूमिनियम की फॉइल जानते हो, जिसमें हम लोग खाना रैप करते हैं, जानते हो, वो एल्यूमिनियम की होती है, एल्यूमिनियम की जो फॉइल बोलते हैं। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल लिया। अब देखो गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया इसने, क्योंकि गोल्ड बहुत, तो एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं ना कि उसके पास गोल्ड बहुत सारा था, अपने ने इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट नाम दिया। अब क्यों नाम दिया, क्योंकि उसने इन्होंने गोल्ड फॉइल को लिया था अपने एक्सपेरिमेंट में। अब एक गोल्ड फॉइल को क्यों लिया था, गोल्ड फॉइल क्या होता है, तो जैसे कि आप लोग जानते हो एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है, जिसमें हम लोग जो पतली लेयर रहती है, एकदम थीन रहती है, जान रहे हो, जिसमें हम लोग खाना रैप करते हैं, वैसे ही इन्होंने अपना गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल इन्होंने इसलिए लिया क्योंकि वो क्या होता है, बहुत ही थीन होती है, ठीक है, इससे क्या करे, जिससे इजिली क्या हो पता चले, ठीक है। तो इन्होंने अल्फा रेस को एक लाइट के थ्रू क्या किया, पास किया, जिसमें गोल्ड फॉइल से ये क्या किया, ये टकरा के क्या होने लगा, इधर पास्ट होने लगा। तो उन्होंने देखा कि इसमें तो जिंक सल्फाइड की क्या थी, लेयर लगी थी, तो जो लाइट आया ये स्क्रैटिंग किया, तो ये क्या हो गया, इधर स्क्रैट होने लगे, स्क्रैटिंग से इधर उधर क्या
क्या होने लगा, ये मूव करने लगा। कौन? तो जो अल्फा रेस थी वो, ठीक है। ये कोई सीडर क्या है, कोई सी, उन्होंने ऐसा समझा था, ऐसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि हम लोग क्या करें, एक जिंक सल्फाइड की लेयर होगी, ठीक है, जिंक सल्फाइड की, जिसने क्या था, उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था रदरफोर्ड ने कि क्या था कि इसमें हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा रेस को डालेंगे। ये जे जे थॉमसन के उसको लिया था, तो उन्होंने बताया कि क्या करते हैं इसमें हम लोग अल्फा रेस को डालेंगे तो ये क्या होगा, इस सीधे क्या होगा, सीधे स्ट्रेट लाइन में पास पास होगा करके, ट्रेवल करेगा करके, ऐसा क्या करके इसने रदरफोर्ड ने कहा था, बस एक्सपेक्ट किया था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था ना। इन्होंने देखा कि ये जो लाइटें हैं स्क्रैच होने लगी, इधर मूव, इधर रोटेट होने लगी, ठीक है, इधर रोटेट होने लगी, ऐसे ऐसे करके क्या करने लगी, रोटेट होने लगी रदरफोर्ड। अब देखा इन्होंने, बता रही मैं, 12,000 रेस में से बाकी तो क्या होने लगा, बाकी तो इधर रोटेट होने लगा, ये 12,000 में से एक रेस से, एक दो रेस ऐसे थी जो क्या हुआ, जो गोल्ड फॉइल से टकरा के क्या करेगा, वापस बॉन्ड में वापस होने लगा, किसमें वापस होने लगा, ये देखो ये यहाँ पे यहाँ से टकरा के बहुत सब जितने भी पार्टिकल्स है अल्फा रेस, उन्होंने क्या किया, वो तो ऐसे इस क्या बोलते हैं गोल्ड फॉइल से टकरा के इधर तो स्क्रैच होने लगे, ठीक है, बट एक ऐसा एक दो पार्टिकल ऐसे थे, 12,000 में से एक दो रेस ऐसे थे, दो पार्टिकल ऐसे थे जो अपोजिट साइड क्या करने लगे, मूव करने लगे इससे टकरा के। जैसे कि आप लोग को बता रही हूँ, कुछ नेट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, नेट जानते हो ये बॉल वाला जो होता है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऐसे नेट रहता है ना, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, बॉल खेलते हैं, ठीक है, बॉल को यहाँ डालते हैं तो क्या करते रहता है वो, अंदर पास होके इधर उधर भागने लगता, बट कुछ बॉल्स ऐसे होती है जो नेट से टकरा के वापस आने लगती है। वैसे ही जो 12,000 रेस थे अल्फा रेस, उसने क्या हुआ, एक दो पार्टिकल इधर अपने वापस आने लगी, ठीक है, टकरा के। तो इन्होंने कहा रदरफोर्ड ने कि अरे एक ऐसा कैसे हो गया। फिर उन्होंने कहा जे जे थॉमसन से कि हाँ आपने तो कहा था आपका तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल तो नहीं रहा, आप तो प्रूफ कर ही नहीं पाए, पर ये जो रेसेस हैं ये तो डिफ्लेक्ट होने लगी, तो ऐसा 12,000 में से कुछ ऐसे थे जो क्या हुआ वापस रिटर्न करने लगी, ठीक है, करने लगी। तो इसी को फिर क्या किया, उन्होंने अपने एक्सपेक्ट किया था सीधा जाएगा करके, बट क्या है वो आने लगी, ठीक है, वो अपने अपोजिट साइड आने लगी। ये देखो यहाँ पे बता रही हूं मैं आपको, ये देखो वो एटम क्या था, पार्टिकल क्या करने लगा, वो सब क्या है, फॉइल। इन्होंने ये रदरफोर्ड ने दिया था ना, ये रदरफोर्ड ने दिया था, कितने सारे लाइटें तो क्या करने लगी, वो पास होने लगी, ठीक है, बट ये कुछ 12,000 में से कुछ पार्टिकल क्या करने वाला, बैक वापस आने लगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हाँ ऐसा क्यों होता है, तब जाके उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा रदरफोर्ड ने कि ये सब किस कारण है, बहुत ही उन्होंने क्या क्या सोचा, उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा क्यों होता है। फिर उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने, अब देखो कि ऐसा क्या होता है पार्टिकल में, ऐसा क्या होता है पार्टिकल के बीच में जिससे क्या करने लगा, वो वापस आने लगा, ये क्वेश्चन आने लगा। तब जाके उन्होंने और डिस्कवर किया, तब पता चला कि हाँ मान लो अब क्यों वापस आ रहा है, आप लोग के भी क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ इसमें रिटर्न कैसे वापस आ गया, क्यों वापस आ रहा था इसमें एड्रेस, तो क्या है? ये जो अल्फा रेज है ये तो बहुत ही क्या होते हैं, ये जो अल्फा रेज होते हैं ये बहुत ही क्या रहते हैं, बहुत ही तेजी रहते हैं ना इन लोग, ये जो पार्टिकल होते हैं वो, ठीक है, इसके बाद बहुत ज्यादा मास होता है ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं, कौन
अल्फारेज, ठीक है, ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं। तो मान लो ये तो सीधा चीर के इनको क्या करना है, सीधा इधर आना चाहिए, सीधा पेनिट्रेट होके जाना चाहिए। ये मैं बताई इधर, ये देखो क्या होना चाहिए, इधर सीधा पेनिट्रेट होके इधर आना चाहिए, बट ये पेनिट्रेट होके नहीं आया, ये सीधा बैक साइड आ गया। तो यही क्वेश्चन आ रहा था कि हाँ बैक साइड कैसे आ गया। अब इसको सोच रहे थे सब कि यार कैसे आ गया, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा जो क्या है ये वापस इधर इस साइड पेनिट्रेट ना करके वापस रिटर्न हो रहा है। ये सब सोचने लगे। अब फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्कवर किया कि हाँ इसके बीच में अगर उन्होंने जे जे थॉमसन के कहा आपके अकॉर्डिंग, उन्होंने उनका तो जो एक्सपेरिमेंट वो तो क्या बोलते हैं अनसक्सेस रहा, हालांकि डिस्कवर उन्हीं को बोलते हैं ना, ठीक है, बट वो अनसक्सेस रहा। बट इन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने पूछा, उन्होंने डिस्कवर किया कि कुछ तो होता है कि ये क्या है इससे टकरा के, ये तो बहुत हाई एनर्जेटिक होता है, कौन हाईली एनर्जेटिक होता है ऐसा, इसको कौन कैसे रोक सकता है। मान लो यहाँ पे कुछ अगर हम लोग अल्फा क्या करते हैं, हम लोग गन से गोली वो करेंगे, ठीक है, क्या हम लोग फायरिंग करेंगे तो वो क्या होगा, वो जैसे कि स्टील ही है तो उसको क्या करेंगे, वो क्या करेगा, वो पेनिट्रेट करके मूव करने लगेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। अगर ये क्वेश्चन आया कि हाँ उनके बीच में कुछ तो होगा उनके बीच में जो उनको क्या करने लगा, रिटर्न भेजने लगा, जो अल्फा हाईली एनर्जेटिक है, अल्फा रेस से भी ज्यादा एनर्जेटिक होगा। तब उन्होंने डिस्कवर किया, तब ये पता चला कि इनके बीच में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, एटम्स के बीच में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो क्या करते हैं, दोनों प्लस जो न्यूट्रल और पॉजिटिव दोनों मिल करके वो भी क्या हो जाते हैं, हाईली एनर्जेटिक हो जाते हैं, जो अल्फा रेस को क्या करने देते हैं, वापस भेज देते हैं अपने से, क्या करने अपने उसको वापस भेज देते हैं, ठीक है। इसीलिए तो क्या होता है रदरफोर्ड के कुछ रेस क्या थे वापस आ गए, ऐसा क्यों होता है ऐसे करके। तो ये पता चला कि इसमें क्या होता है, इनके जो एटम्स के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तब जाके पता चला कि हाँ जो क्या बोलते हैं ये हमारे जो सोलर सिस्टम है, जानते हो, जो बीच में क्या होता है, सन होता है, और क्या बोलते हैं इसके राउंड राउंड कौन करते हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं राउंड करते हैं ना, हाँ। तो अब जाके पता चला कि हाँ इनके इनके बीच में कुछ ऐसा पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, अल्फा रेस को रोक रहा है। तो वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस, क्या कहा उन्होंने, न्यूक्लियस कहा, ठीक है, क्या कहा उन्होंने, न्यूक्लियस कहा। तब जाके यहाँ पे प्रूफ हुआ कि हाँ यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके राउंड करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या करते रहते हैं, राउंड करते रहते हैं। इस तरह किसकी डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। अब देखो रदरफोर्ड ने किसके, एक बार और मैं रिकॉल करती हूँ क्या था। सबसे पहले जे जे थॉमसन ने बोला कि वाटरमेलन के जैसे होता है एटम्स, उसमें बीच बीच में रेड पल्प है वो प्रोटॉन होते हैं, और इसके बीच बीच में जो सीड्स टाइप होती है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन कहा था, बट वो क्या है, बट ये जो प्रूफ नहीं कर पाए, उन्होंने प्रूफ नहीं बताया। हाँ अगर वैसा होता है तो अगर कुछ भी हम लोग रेस अल्फा रेस ही उसको डाल रहे हैं तो क्या करना चाहिए, वो रिपल्सन करना चाहिए, बट ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो उनके जो एक्सपेरिमेंट, उन्होंने जो डिस्कवर किया था जे जे थॉमसन ने, वो अनसक्सेस रहा, उन्होंने प्रूफ नहीं कर पाया अपने डिस्कवर में, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रूफ नहीं कर पाया। फिर हमारे रदरफोर्ड जी आए, रदरफोर्ड ने कहा चलो एक बार और हम लोग डिस्कवर करके देखते हैं। तो उन्होंने डिस्कवर किया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोल्ड फॉइल ली, लेड बॉक्स ले लिया, लेड बॉक्स के थ्रू उन्होंने क्या किया, अल्फा रेस को पास किया, तो ट्रेवल करके गोल्ड फॉइल से टकरा के क्या करने, रिफ्लेक्ट होने लगे, स्क्रैटिंग होने लगे लाइटें, और उसमें से 20 रेस अल्फा रेस में से कुछ रेस ऐसे थे जो अपने वापस आने लगे टकरा कर। तब उससे पता चला कि हाँ ये वापस क्यों आ रहे हैं,
इनसे अल्फा रेस तो हाईली एनर्जेटिक होता है, तो ये वापस क्यों आने लगे, इसमें कुछ होता है, वापस कैसे आ रहे हैं। तब जाके उन्होंने डिस्कवर किया, तब पता चला कि हाँ इनके बीच में उनसे भी हाईली एनर्जेटिक कुछ भी क्या है, एटम्स होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, तब मतलब हाईली एनर्जेटिक कुछ पार्टिकल होंगे, तभी तो ये वापस आ रहा है, वापस आ रहा है। फिर उन्होंने किया कि हाँ इस पता चला कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ऐसे बीच में, ठीक है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के क्या है, ये अल्फा रेज के हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल से भी ज्यादा क्या होते हैं, ये एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये हमारे सोलर सिस्टम की तरह क्या करते रहते हैं, राउंड करते रहते हैं, किसके, न्यूक्लियस के, जिसको एक इनका एक फिक्स्ड क्या होता है, इनका फिक्स्ड एक पार्ट्स होता है ना, सर्कुलर करते रहते हैं हाई स्पीड से क्या करते रहते हैं, सर्कुलर करते रहते हैं, ठीक है, अपने पोजीशन पे। अब देखो यहाँ पे सर ये अराउंड कर रहे हैं, तो एक ऐसा भी होना चाहिए यहाँ पे, तो पॉजिटिव निकल रही, तो इनको अट्रैक्ट करना चाहिए, अट्रैक्ट मतलब पास में आके चिपक जाना चाहिए, बट चिपकता नहीं है, अट्रैक्शन नहीं होता, ये तो अपने अपने जगह ही पे राउंड करते रहते हैं, कंटिन्यूसली करते रहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या, एक ऐसा सिस्टमेटिक होता है जिसको बोलते हैं कि अपने ही जगह पे ये राउंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है, इसको बोलते हैं ऑर्बिट्स, क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। इस तरह न्यूक्लियस का डिस्कवर हुआ। तो ये जो न्यूक्लियस का, अब देखो न्यूक्लियस के डिस्कवर से पता चला कि इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, मास एटम क्या है, डेंसिटी एक क्या करते हैं, बहुत ही स्मॉल रीजन होते हैं, ठीक है, आप लोग को पता है, ठीक है, ये बहुत ही क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, कौन स्मॉल होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, आप लोग को बता देती हूँ, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये 2000 किसे प्रोटॉन से क्या होता है, कम होता है, प्रोटॉन का होता है, प्रोटॉन का मास ये 1.6 × 10⁻²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 ⁻####इतने यहाँ यहाँ 10⁻²⁷ रहेगा ना, सॉरी यहाँ पे 27 रहेगा, ये ऊपर में इतने छोटे होते हैं, तो ये तो सोचो इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता होगा, ठीक है, ये जो प्रोटॉन होते हैं ये इसमें इससे ज्यादा मास होता है ना इसमें, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत ही क्या है, 2000 स्मॉल होता है, किससे, प्रोटॉन से। तो इन्होंने क्या कहा, इस तरह उन्होंने रदरफोर्ड ने क्या किया, न्यूक्लियस को न्यूक्लियस कहा इन्होंने, जो ये जो मिला उसको न्यूक्लियस कहा, ठीक है। और इसमें इन्होंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, अभी मैं बताई ये सोलर सिस्टम की तरह, हमारे जो सोलर सिस्टम है, जैसे सन के राउंड कौन करता है, जितने भी प्लैनेट्स है करते हैं, वैसे ही इसमें क्या है, न्यूक्लियस के राउंड कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं, इनकी एक फिक्स्ड पाथ सर्कुलर होता है जिसको ऑर्बिट बोलते हैं, बताई हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और क्या करते हैं, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, ये आया समझ में। सो आप लोग को न्यूक्लियस का भी डिस्कवर हो गया, आ गया समझ में। ये देखो ये इस तरह क्या करने लग गया, इसमें जो पार्टिकल्स आने ये अब क्या करने बैक होने लगे, बताई हूँ मैं। तो इस तरह जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये प्लस प्रोटॉन है, ये क्या है न्यूट्रॉन, दोनों क्या होते हैं न्यूक्लियस में होते हैं, ये अल्फा रेस है, कुछ मूव करने लगे, कुछ स्ट्रेटिंग करने लगे, और ये क्या है 12000 में से कुछ रेस हैं जो अपोजिट क्या करने लगे, बैक करने लगे, अभी बता चुकी हूँ। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू, आज क्लास यहीं पे रखते हैं, ओके, थैंक यू।